सो व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो फोटो एडिट करके दिखाने वाला हूँ, अगर इस टाइप की फोटो एडिट करके आप अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गाइस अपलोड करेंगे तो उसमें बहुत सारे लाइक्स एंड व्यूज आएंगे। और इस टाइप की फोटो को कैसे एडिट किया जाता है आज की इस वीडियो के अंदर आपका भाई यही बताने वाला है। बिल्कुल 4 स्टेप का ये वाला फोटो एडिटिंग होने वाला है, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपनी स्नैपसीड ऐप को ना ओपन करके और प्लस के आइकन पे गाइस क्लिक करके अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिसे आप एडिट करने वाले हैं। तो फिलहाल दोस्तों इसी फोटो को हम लोग ना इंस्टाग्राम की वायरल फोटो एडिट करने वाले हैं, और बहुत ही आसान तरीका मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया है, तो कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो गाइस सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस पेंसिल के आइकन पे हम लोग क्लिक करेंगे। देन दोस्तों क्लिक कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा ना, आपको ऊपर साइड में ट्यून इमेज के ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा। देन दोस्तों ट्यून इमेज के ऑप्शंस पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने पे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस गाइस शो होने लगेगा। तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन को ही अप्लाई करना है। तो सबसे पहले गाइस हम लोग ऐसे ऊपर आएंगे और नीचे आने के बाद गाइस इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को हम लोग इंक्रीज करके ना प्लस 40 रख लेते हैं, और नीचे आके इसकी सैचुएशन को हम लोग पूरा डिक्रीज कर देंगे। देन दोस्तों सैचुएशन को डिक्रीज कर लेने के बाद आपको सिंपल से कुछ भी यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको नीचे साइड में यहाँ पे राइट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। देन दोस्तों जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो पूरी फोटो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट देखने को मिलेगा। तो ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन पे हम लोग क्लिक करेंगे व्यू एडिट के ऑप्शन, और यहाँ पे ना ट्विन इमेज पे क्लिक करके ब्रश को ले लेंगे। देन दोस्तों इसके बाद इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, साइज यहाँ से 0 मिल जाएगा, फोटो को ऐसे आप जूम कर लीजिएगा, और उसके बाद आप अपनी स्क्रीन पे से ना इस वाली इफेक्ट को ऐसे रिमूव कर लीजिएगा। और जैसे ही गाइस रिमूव किए जाएंगे ना तो आप लोगों का स्क्रीन यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हट जाएगा, और आपका भाई अब बताएगा कि कैसे आप PNG को ऐड करेंगे। तो मैं फटाफट से पहले ये हटा लेता हूँ गाइस। देन दोस्तों ऐसे आप अपने स्क्रीन पे से सारे इस इफेक्ट को हटा लेने के बाद नीचे साइड में राइट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके यहाँ से बैक आ जाइएगा, और बैक आते ही गाइज कुछ इस टाइप की फोटो आपकी देखने को मिलेगी। तो क्या करेंगे गाइज, आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा हम लोग वाइट कर लेते हैं क्योंकि हम लोग का फेस काफ़ी ज़्यादा डल है। तो पेंसिल के आइकन पे गाइज आप क्लिक कर लीजिएगा। देन दोस्तों क्लिक कर लेने के बाद आप लोगों के सामने एक सिलेक्ट टू का ऑप्शन मिलेगा, तो सिलेक्ट टू वाले पे गाइज आप क्लिक करके आप अपने फेस पे ऐसे ही से सिलेक्ट करके पंच करके छोटा करके ब्राइटनेस को गाइज इंक्रीज करके नीचे के सैचुएशन को डिक्रीज कर देंगे। और गाइज ये प्रोसेस आप वहाँ कीजिएगा जहाँ पे आपको लगता है कि हमारी स्क्रीन डार्क है। तो गाइस कर लेने के बाद राइट क्लिक कर देंगे। देन दोस्तों जैसे ही आप राइट क्लिक कीजिएगा तो आफ्टर बिफोर आप अपनी फोटो को देख सकते हैं। तो गाइस क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ सेटिंग्स को और ज्यादा हम लोग अप्लाई करने वाले हैं जिससे हम लोग बैकग्राउंड को ना और ज्यादा डार्क कर सकें। तो क्या करेंगे गाइस, अगर हम ना इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक कर देंगे। देन दोस्तों पेंसिल के आइकन पे क्लिक करने के बाद मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अगर यहाँ तक इस वाली वीडियो को देख लिए हैं तो थोड़ा सा और वीडियो को देख लीजिए, 110% आप एडिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे ब्रश के आइकन पे गाइस आपको क्लिक करना होगा। देन दोस्तों ब्रश के आइकन पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे डॉर्ज एंड बर्न का एक ब्रश मिलेगा पहले नंबर पे। तो गाइस इसे लेने के बाद इसकी साइज को यहाँ पे ना हम लोग -10 कर देंगे, और -10 कर लेने के बाद गाइस आपको ऐसे इसके साइड साइड से चलाना होगा ब्रश को, और ज़्यादा अपनी बैकग्राउंड को गाइस डार्क करना होगा। तो ऐसे गाइस डार्क कर लेने के बाद ना आपको या नीचे साइड के राइट क्लिक करके और कुछ इस टाइप की फोटो आपकी मिलेगी। तो इस टाइप की फोटो गाइस हम लोगों का तो मिल चुका है, तो अब बारी आती है कैसे हम अपने बैकग्राउंड में ना PNG को ऐड करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो सबसे पहला PNG गाइस हम लोग इंस्टाग्राम लोगो का है उसे ऐड करने वाले हैं। तो उसको ऐड करने के लिए इस पेंसिल के आइकन पे गाइस आप क्लिक करके, और प्रोसेस आपका ये होने वाला है, ऐसे आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद डबल एक्सपोजर के आइकन पे क्लिक करके, देन दोस्तों प्लस के आइकन और प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ हम लोग का ये लोगो का PNG मिल जाएगा। और इसे लेने के बाद गाइज आप अच्छे तरीके से इसे ऐसे एडजस्ट कर लीजिएगा। देन दोस्तों एडजस्ट कर लेने के बाद आप लोगों के सामने नीचे साइड में 3 ऑप्शंस मिलेंगे, बीच वाले पे क्लिक करके लाइटन कर देंगे, और इसकी ओपेसिटी वाले आइकन पे क्लिक करके ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करेंगे गाइज, और यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे। देन दोस्तों राइट आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस टाइप की फोटो आपकी मिलेगी। तो ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन और व्यू एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डबल एक्सपोजर और ब्रश को यहाँ से ले लेंगे। देन दोस्तों इस वाले आइकन पे हम लोग
लोग क्लिक करेंगे, शायद यहाँ से हम लोग जीरो करके फोटो को ऐसे जूम करके गए ना, आप अपने बॉडी पे जो भी ये वाला इंस्टाग्राम की लोगो आया है ना, इसे हम लोग ऐसे रिमूव कर देंगे। और अगेन गाइस साइज पे यहाँ से 100 करके और सिंपल से ये जो बचा है ना, इसे हम लोग ऐसे रिकवर कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं गाइस मैंने कैसे रिकवर कर रहा हूँ, तो आप लोग भी ऐसे अच्छे तरीके से रिकवर कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं मैंने कर लिया है, और कर लेने के बाद गाइस ना आपको यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ से बैक, और जैसे ही ये प्रोसेस कीजिएगा तो कुछ इस टाइप की फोटो आपकी मिलेगी। तो गाइज अब बारी आती है ना कि एक लाइट पीएनजी को ऐड करने के लिए, डुअल लाइट पीएनजी है गाइज, तो उसको भी ऐड करने के लिए वही सेम प्रोसेस होगा। पेंसिल के आइकन पे गाइज आपको क्लिक करना होगा, डबल एक्सपोजर और प्लस का आइकन, और सिंपल से ये वाला पीएनजी को लेने के बाद गाइज ना आपको यहाँ पे नीचे साइड में 3 ऑप्शंस मिलेंगे, तो बीच वाले पे क्लिक करके इस बार गाइज हम लोग को ना ऐड क्लिक करना होगा, और ऐड क्लिक कर लेने के बाद ऐसे ही से पकड़ के जूम कर लीजिएगा। देन दोस्तों जूम कर लेने के बाद ना आपको नीचे साइड में राइट क्लिक कर देना होगा, और जैसे ही आप राइट क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस टाइप की कमाल की आपकी फ़ोटो मिलेगी। तो क्या करेंगे गाइज, अगेन हम लोग ना एक पीएनजी को ऐड करने वाले हैं जो कि बल्ब पीएनजी है, तो उसको भी ऐड करने के लिए इसी पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे, डबल एक्सपोजर और प्लस का आइकन, और उस बल्ब पीएनजी को मैं फटाफट से ऐड कर लेता हूँ, आप लोग भी गाइज कर लीजिएगा, और सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज इसे लेने के बाद बीच वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे लाइटेन करके राइट क्लिक कर देंगे, और राइट क्लिक कर लेने के बाद कुछ इस टाइप की फोटो आपकी मिलेगी। तो गाइज अब बारी आती है कि इंस्टाग्राम की एक प्रोफाइल की हम लोग ना पीएनजी को ऐड करेंगे, जिससे ये फोटो देखने में काफ़ी कमाल एंड बवाल सी दिखेगी। तो गाइज उसको भी ऐड करने के लिए ऐसा ही प्रोसेस होता है, और इस वीडियो को आप कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा पीएनजी कहाँ पे ऐड करना, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे, डबल एक्सपोजर और प्लस के आइकन, और यहाँ से हम लोग इंस्टाग्राम की भी पीएनजी को लेके बीच वाले पे क्लिक करके इसे हम लाइटेन करके और सिंपल राइट क्लिक कर देंगे। देन दोस्तों जैसे ही आप इतना प्रोसेस कीजिएगा तो कुछ इस टाइप की फ़ोटो आपकी मिलेगी। तो अब बारी आती है कि आप अपने फ़ोटो के अंदर टेक्स्ट को कैसे ऐड करेंगे, तो उसको भी ऐड करने के लिए इसी पेंसिल के आइकन पे गाइज आप क्लिक कर लीजिएगा, और नीचे साइड में एक टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो गाइज इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके डबल टैप कर दीजिएगा, और यहाँ से बैक आ जाइएगा पूरा, और यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना होगा हैशटैग इंस्टाग्राम, और लिख लेने के बाद ओके क्लिक कर देंगे। देन दोस्तों ओके क्लिक कर लेने के बाद आपको नीचे साइड में 3 ऑप्शंस मिलेंगे, तो लास्ट वाले पे क्लिक करके इसकी फॉन्ट को हम लोग L4 रख लेते हैं, और L4 रख लेने के बाद ऊपर साइड में ऐसे हम लोग अच्छे तरीके से एडजस्ट करके और राइट क्लिक कर देंगे। देन दोस्तों इसके बाद ना हम लोग साइड में भी एक टेक्स्ट को लिखने वाले हैं, जिसे लिखने के बाद ये फोटो काफ़ी कमाल धमाल लगेगा, तो उसको भी लिखने के लिए इसी पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेंगे, और टेक्स्ट के आइकन पर क्लिक करके डबल टाइप करके यहाँ से बैक आ गया ना इट्स मॉडल लिख देंगे हम लोग, और लिखने के बाद ओके क्लिक कर देंगे। देन दोस्तों इस वाली फॉन्ट को आपको क्या लेना होगा, 3 ऑप्शंस मिलेंगे, तो लास्ट वाले पे क्लिक करके आपको यहाँ से ना ये पहले वाले ले लेना होगा ऑप्शन को, और इसे छोटा करके ऐसे साइड में लगा देना होगा, और राइट क्लिक कर देंगे, और जैसे ही गाइज ये प्रोसेस कीजिएगा तो कुछ इस टाइप की आपकी फ़ोटो देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हम लोग गाइज इसमें लाइट को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये फ़ोटो देखने में काफ़ी कमाल लगे। तो इसी पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे गाइज, और पूरा ऐसे ऊपर आएंगे, और ट्विन इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करके और ऐसे गाइज नीचे आएंगे, और इसकी कॉन्ट्रास्ट को हम लोग ऐसे इंक्रीज करके और राइट क्लिक कर देंगे, और जैसे ही गाइज ये प्रोसेस कीजिएगा तो अल्टू वाला की पूरी फ़ोटो गाइज एडिट होकर आ जाएगी, जो कि देखने में काफ़ी ऑसम एंड फाड़ से दिख रही है। आपका भाई बहुत ही आसान तरीके से बताया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस फोटो को HD में सेव करने के लिए इस डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करके सिंपल सेव क्लिक कर देंगे, और हम लोग का ये फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।